नेक्स्ट यूनिट आ रही है बच्चों, यूनिट फोर्थ, भारत की विदेश नीति, इंडियन फॉरेन पॉलिसी। भारत की विदेश नीति का अगर अपन अध्ययन करें, अब तक आपने पाकिस्तान की विदेश नीति, अमेरिका की विदेश नीति, चीन की विदेश नीति पढ़ी, लेकिन जब हम भारत की विदेश नीति का अध्ययन करें तो बच्चों भारत की विदेश नीति अपनी ऐतिहासिक, भौगोलिक, आर्थिक और राष्ट्रीय तत्वों को महत्व देते हुए एक शांतिपूर्ण से अस्तित्व की विदेश नीति रही है। भारत ने सदैव संयम को महत्व दिया, अपनी विदेश नीति के अंतर्गत अहिंसा को महत्व दिया, अपनी विदेश नीति के अंतर्गत शांति को महत्व दिया, और इसी का परिणाम आज है, यह है कि भारत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आज विकासशील राष्ट्रों की अग्रिम पंक्ति के अंतर्गत खड़ा है। आज भारत विश्व स्तर पर अपनी विदेश नीति के माध्यम से आज अनेक विकसित राष्ट्रों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, और भारत की विदेश नीति जो है मूल रूप से 1946 की अगर अपन बात करें तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की विदेश नीति निर्धारित करते हुए कहा कि वैदेशिक संबंधों के क्षेत्र में भारत एक स्वतंत्र रीति नीति का अनुसरण करेगा और गुटों की खींचतान से दूर रहते हुए संसार के समस्त पराधीन देशों को आत्मनिर्णय का अधिकार प्रदान करेगा। अर्थात भारत अपने वैदेशिक नीति के अंतर्गत जातीय भेदभाव, रंग का भेदभाव और भाषा के भेदभाव को समाप्त करते हुए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांतिपूर्ण सद्भावना के विकास का प्रचार प्रसार करेगा। ये पंडित नेहरू ने 1946 के अंतर्गत कहा था। पंडित नेहरू का उक्त वक्तव्य आज भी विदेश नीति का आधार बना हुआ है। भारत की विदेश नीति को हम लोग देखें बच्चों, तो महात्मा गांधी के विचारों को अगर अपन पढ़ें तो महात्मा गांधी ने कहा, भारत इस पृथ्वी के एशियाई एवं अन्य गैर यूरोपियन जातियों के खोज की कुंजी है। इस तरह से हम लोग देखते हैं भारत की विदेश नीति के आधार को हम लोग देखें तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत की विदेश नीति जो मूल रूप से है वो अहिंसा, शांति और साधनों के पवित्रता की विदेश नीति रही है। डॉक्टर वीपी दत्त ने कहा कि ऐतिहासिक परंपराओं, भौगोलिक स्थिति और भूतकालीन अनुभव भारतीय विदेश नीति के निर्माण में प्रभावक तत्व है। ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं भारत की विदेश नीति को, तो भारत की विदेश नीति के अंतर्गत निर्धारण के अंतर्गत भौगोलिक तत्व, विचारधारा का प्रभाव, आर्थिक तत्व, ऐतिहासिक परंपराएं, राष्ट्रीय हित विदेश नीति के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग देखें भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन करें बच्चों, तो भारत की विदेश नीति की जो प्रमुख विशेषताएं हमारे सामने उभर कर सामने आती है, नंबर वन आती है असंलग्नता की नीति। असंलग्नता की विदेश नीति, असंलग्नता की विदेश नीति, असंलग्नता की विदेश नीति का अगर अपन अध्ययन करें तो भारत की विदेश नीति की प्रमुख आधारशिला है।
देखिए असंलग्नता क्या है, मैं आपको एक इसके इससे पहले मैं आपको बताता हूं। देखिए 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी और उससे पहले सेकंड वर्ल्ड वार चला। सेकंड वर्ल्ड वार 1945 में समाप्त हो जाता है और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है। और इस काल से आप लोग देखिए 1945 से 1990 का काल अगर आप देखो तो इट इज कोल्ड वार, शीत युद्ध की राजनीति चलती है। और इस शीत युद्ध की राजनीति के काल में ही एशिया और अफ्रीका के अंतर्गत अनेक नवीन राष्ट्रों का उदय होता है। और ये जो नवीन राष्ट्र हैं, जो उदय हुए हैं, इनको मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये गुटों की खींचतान से दूर रहना चाहते थे। गुट कौन से थे? अमेरिका और सोवियत संघ। विचारधारा कौन थी? साम्यवाद और पूंजीवाद। नवोदित राष्ट्रों ने देखा कि अगर हम गुटों के खींचतान से दूर नहीं रहे तो हम अपना विकास नहीं कर पाएंगे और इन गुटों के चक्रव्यूह के अंतर्गत फंस जाएंगे। ऐसी स्थिति के अंतर्गत भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और नासिर और टिटो, इन तीनों ने मिलकर के एक गुट निरपेक्षता की नीति दी। और गुट निरपेक्षता का तात्पर्य था कि दोनों गुटों से अलग रहते हुए अपनी स्वतंत्र रीति नीति का निर्माण करना। और 1961 के बेलग्रेड शिखर सम्मेलन के अंतर्गत गुट निरपेक्ष आंदोलन का उदय हुआ। तो भारत की विदेश नीति ने अपनी असंलग्नता की नीति यानी कि गुट निरपेक्षता की नीति को अपनी विदेश नीति में आधार बनाया और गुटों से अलग रहते हुए अपने जो है मूल रूप से स्वतंत्र सोच के द्वारा अपने देश के विकास करने पर बल दिया। नंबर 2 आता है शांतिपूर्ण से अस्तित्व की नीति। देखिए भारत ने कभी भी चला करके आ बेल मुझे मार, कभी भी चला करके युद्ध नहीं किया। भारत हमेशा शांति प्रिय रहा है, संयमित जीवन जीने वाला रहा है। और ऐसी स्थिति में हम लोग देखते हैं कि 1954 में सरदार के एम पन्नीकर ने कहा कि भारत को इस बात की बड़ी चिंता है कि उसकी प्रगति को तथा सामान्य रूप से मानव जाति की उन्नति को संकट में डालने वाला कोई युद्ध नहीं हो। मतलब मानव जाति को संकट में डालने वाला कोई युद्ध नहीं हो। आप लोग देखते हो यूरोप के अंतर्गत 1956 के अंतर्गत 1956 में स्वेज संकट आया और 1967 के अंतर्गत अरब इजराइल युद्ध हुआ। भारत ने हमेशा जो है शांतिपूर्ण से अस्तित्व की नीति का परिचय दिया और किसी भी स्तर पर गुट में सम्मिलित नहीं होते हुए भारत ने हमेशा संधियों और मैत्रीपूर्ण संबंधों पर बल दिया। यद्यपि कच्छ के प्रश्न को लेकर 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ और उसके पश्चात 1966 के अंतर्गत ताशकंद समझौता हुआ। 1971 के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान में फिर युद्ध हुआ और 1972 के अंतर्गत शिमला समझौता हुआ। तो आप लोग देखिए भारत ने हमेशा शांतिपूर्ण जो है सह अस्तित्व के नीति के ऊपर बल दिया है। कभी भी जो है भारत ने किसी भी स्तर पर जो मूल रूप से ऐसी नीति का प्रतिपादन नहीं किया जो मूल रूप से उसको युद्ध के अंतर्गत परेशानी में डाल सके। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत जो बांग्लादेश के साथ में जो फरक्का की समस्या आई 1977 के अंतर्गत फरक्का बांध जल को लेकर के, तो भारत ने हमेशा बांग्लादेश के साथ में भी, मैं आपको बच्चों बात बताऊं, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति के ऊपर बल दिया था। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं भारत जो है सदैव शांतिपूर्ण से अस्तित्व की नीति को बल देता है। नेक्स्ट आता है मैत्री और सह अस्तित्व की नीति। मैत्री
नंबर दो पर था शांतिपूर्ण से अस्तित्व, पूर्ण से अस्तित्व। नंबर तीन मैत्री एवं अस्तित्व की नीति। नंबर चार, भारत ने हमेशा विश्व के साथ में मैत्रीपूर्ण संबंधों को बल दिया है, और ऐसी स्थिति के अंतर्गत आपको मैं बता दूं बच्चों कि भारत हमेशा विश्व में आज जो अलगाववादी शक्तियां माहौल जो क्रिएट कर रही है, भारत ने हमेशा किसी से अलगाव नहीं रखा और सहयोग किया, युद्ध नहीं किया, शांति की वार्ता की। और ऐसी स्थिति में भारत ने कहा कि आणविक आविष्कारों से, विस्फोटों से दुनिया का विनाश हो जाएगा। उन्होंने हमेशा मैत्रीपूर्ण संबंधों पर बल दिया। नंबर चार, साधनों के पवित्रता पर बल, साधनों की पवित्रता पर बल। देखिए, भारत के राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी ने कहा कि साध्य और साधन दोनों पवित्र होने चाहिए। और ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि भारत ने हमेशा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने के लिए जो है साध्य और साधन दोनों पवित्र होने चाहिए। उन्होंने कहा कि सत्य और अहिंसा के द्वारा संपूर्ण दुनिया को जीता जा सकता है। और ऐसी स्थिति में हम जब भारत की विदेश नीति का अध्ययन करते हैं तो उन्होंने हमेशा साधनों की पवित्रता के ऊपर बल दिया। नेक्स्ट पांच आता है, पंचशील के सिद्धांत। पंचशील के सिद्धांत, पंचशील के सिद्धांतों की अगर बात करें तो बच्चों एक दूसरे के प्रादेशिक एकता और अखंडता का सम्मान करेगा। नंबर वन, नंबर टू अनाक्रमण, नंबर तीन एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना, नंबर चार समानता एवं पारस्परिक लाभ, और नंबर पांच शांतिपूर्ण से अस्तित्व। भारत ने पंचशील सिद्धांतों के माध्यम से 1954 के अंतर्गत तिब्बत के संबंध में पंडित नेहरू ने चीन के साथ में समझौता किया और कहा कि चीन के प्रधानमंत्री चाऊ एन लाई तथा भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दोनों ने आपस में समझौता करके इस बात पर बल दिया कि हम जो है पंचशील के माध्यम से दोनों के प्रति विश्वास व्यक्त करते हैं। पंडित नेहरू ने कहा यदि इन सिद्धांतों को सभी देशों के द्वारा मान्यता दे दी जाती है तो आधुनिक विश्व के अनेक समस्याओं का स्वतः निदान हो जाएगा। अतः पंडित नेहरू की इस विचारधारा को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महत्व दिया गया था। नेक्स्ट नंबर सिक्स, साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद का विरोध। भारत क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य का गुलाम रहा है, भारत के अंतर्गत जाति, भाषा, धर्म, लिंग को लेकर के भेदभाव की समस्याएं थी। अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति अपनाई, अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों को काले कुत्ते कहा जाता था, और ऐसी स्थिति के अंतर्गत भारत ने ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा जो नीति अपनाई गई थी उसको पुनः दोबारा दोहराना नहीं चाहता था, और ऐसी स्थिति में उसने साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध किया। उन्होंने कहा
जो साम्राज्यवाद और उपनिवेशवादी ताकतों ने शासन किया था वो पुनः अब वापस अंतरराष्ट्रीय मंच पर कोई देश कोई राज्य शोषित नहीं रहे। इसलिए उन्होंने भारत ने इंडोनेशिया लीबिया मोरक्को मलाया अल्जीरिया आदि अफ्रीकी राष्ट्रों के स्वतंत्रता संग्राम का भी पूरा समर्थन किया। मैं आपको बता दूं कि भारत ने हमेशा साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का भी विरोध किया। नेक्स्ट आता है संयुक्त राष्ट्र संघ का समर्थन। संयुक्त राष्ट्र संघ का समर्थन भारत संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना करने वाला एक संस्थापक देशों में से एक था। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ को विश्व शांति स्थापित करने वाला एक सहारा मानता है। इसीलिए राष्ट्रीय हितों की पूर्ति का एक प्रमुख प्रभावशाली न्यायोचित साधन मानता है। ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं भारत ने अनेक बार सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता भी मिली है और भारत सुरक्षा परिषद की एशिया दक्षिणी एशिया के अंतर्गत स्थायी सदस्यता का प्रमुख दावेदार भी है। तो आज भारत का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मैं आपको बता दूं कि प्रमुख रूप से वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है भारत इसका संयुक्त राष्ट्र संघ का समर्थन करता है आस्था रखता है और उसको सफल बनाने के लिए अनेक प्रयोग भी करता है। अर्थात जो है भारत विभिन्न अभिकरणों समितियों एजेंसियों अंगों में विश्वास करता है। नेक्स्ट आता है सेतु बंद का कार्य। सेतु बंद का कार्य सेतु बंद से तात्पर्य है कि भारत ने अपनी विदेश नीति के अंतर्गत विश्व शांति कायम करने के लिए ओवर ब्रिज सेतु बंद का भी कार्य किया है और वह चाहता है कि अगर विश्व स्तर पर अगर कोई समस्या हो तो मध्यस्थ बनकर के और वह जाति रंग भाषा के आधार पर कोई भेदभाव हो रहा है। अर्थात पंडित नेहरू ने क्या कहा है हमारा काम पुलों को तोड़ना नहीं है पुलों को बनाना है ओवर ब्रिज फ्लाई ओवर जो बन रहे हैं। पंडित नेहरू ने कहा कि विश्व के अंतर्गत अगर कोई विभाजित विश्व है तो उसके अंतर्गत हम लोग आपस में मिल बैठ करके जो है एक मध्यस्थ की भूमिका की अगर कहीं जरूरत पड़ती है तो हम उसके अंतर्गत जरूर मूल रूप से प्रयास करेंगे। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि भारत ने जो है मूल रूप से अपनी विदेश नीति के अंतर्गत जो है जो साध्य और साधन दोनों की पवित्रता को महत्व देते हुए अपने मोहनदास करमचंद गांधी के विचारों को महत्व दिया है। नेक्स्ट टॉप लेसन आ रहा है भारत अमेरिका संबंध। भारत अमेरिका भारत अमेरिका संबंध। देखिए भारत और अमेरिका के संबंधों की बात करें बच्चों तो भारत और अमेरिका के संबंधों का इतिहास अगर हम जानने की कोशिश करें तो भारत जो आज़ाद हुआ था वो हुआ था 1947 के यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वार के पश्चात भारत और अमेरिका के जो संबंध कायम हुए थे। इसके अंतर्गत मैं आपको बता दूं कि भारत के अंतर्गत जो है भारत के ऊपर सोवियत संघ का प्रभाव बना हुआ था और सोवियत संघ के साथ में मैत्रीपूर्ण संबंध थे लेकिन जो है भारत की जो मूल समस्या थी सोवियत संघ से मैत्रीपूर्ण संबंध होने के कारण और गुट निरपेक्षता की नीति के कारण जो है भारत की विदेश नीति के अंतर्गत भारत और अमेरिका के संबंध कोई मधुर नहीं रहे और स्पेशली जो काल था
1945 से 1990 का काल था। ये 45 वर्षों के काल के अंतर्गत भारत और अमेरिका के संबंध मधुर नहीं रहे। उसके पश्चात जो आया है, जॉर्ज बुश सीनियर है, जॉर्ज बुश जूनियर है, बिल क्लिंटन है और बराक ओबामा है, इस काल के अंतर्गत भारत और अमेरिका के संबंधों में मधुरता देखी गई है। क्योंकि भारत की जो विदेश नीति का जो आधार था वो हमेशा अपने राष्ट्रीय हितों को महत्व देता था, लोकतंत्र के नाम पर दूसरे राष्ट्रों में हस्तक्षेप करता था। और वियतनाम युद्ध देख लो और चाहे ग्रीस पुर्तगाल की समस्या को देख लो, उन्होंने अपना दमनात्मक नीति के द्वारा प्रयोग करके उनको दबाने का प्रयास किया है। भारत और अमेरिका के जो संबंध है नेहरू काल के अंतर्गत जो है वो कोई अधिक मधुर नहीं रहे। शास्त्री काल के अंतर्गत भी जॉन कैनेडी जो 1947 से 1964 का जो कार्यकाल था वो पंडित नेहरू का कार्यकाल था। और इस काल के अंतर्गत देखते हो आप कोरिया युद्ध होता है और उसके पश्चात जो है भारत और अमेरिका के जो संबंध है वो मुख्य रूप से कोई मैत्रीपूर्ण संबंध नहीं रहे। हयत भी अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने जो है भारत की यात्रा की थी और परंतु इसके कोई दुर्गामी परिणाम हमारे सामने नहीं आए थे। शास्त्री काल को अगर अपन देखें 1964 से 1965 में तो कैनेडी राष्ट्रपति ही थे उस समय भी, और शास्त्री जी ने अमेरिका की यात्रा को रद्द कर दिया था। इसके पीछे कारण यह था कि 1965 के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था और इस दौरान भी कोई मैत्रीपूर्ण संबंध नहीं। इंदिरा गांधी का कार्यकाल 1966 से 1977 का जो 10-11 वर्ष का जो कार्यकाल था उसको अगर अपन देखें तो निसंदेह अमेरिकी प्रशासन और जो है भारतीय प्रशासन के अंतर्गत मैत्रीपूर्ण संबंधों में कुछ बातें आगे बढ़ी। लेकिन मूल रूप से जो है आपको मैं बता दूं कि भारत अमेरिका के बीच में कोई कटुतापूर्ण संबंध बने रहे। राजीव गांधी का जो कार्यकाल था 1984 में, उस समय जो पुराने मतभेद हैं वो समाप्त किए गए थे और भारत और अमेरिका के बीच में सहयोगात्मक संबंध बने और तकनीकी हस्तांतरण बनने लगा। और राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी का भव्य स्वागत किया और इलेक्ट्रॉनिक जो है इंजन जो है आपके अपन और तकनीक है इसके बारे में अनेक समझौते करके आपस में मैत्रीपूर्ण संबंध होने लगे। लेकिन सफलता हमें भारत अमेरिकी संबंधों में पीवी नरसिंह राव के कार्यकाल बनती है, क्योंकि इस समय बच्चों शीत युद्ध समाप्त हो जाता है और भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव ने 1991 के अंतर्गत जो है जो संयुक्त अभ्यास हुआ, युद्ध अभ्यास सेना का, वो भारत और अमेरिका के बीच में हुआ और वाणिज्य को लेकर के जो है भारत अमेरिका के अंतर्गत विकास को, आर्थिक विकास को लेकर के एक समझौता हुआ। और इस दौरान हम लोग देखते हैं भारत और अमेरिका के बीच में मैत्रीपूर्ण संबंध थे। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनती है और अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन जो अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं, ले परंतु भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जब पोखरण के अंतर्गत परमाणु विस्फोट किया तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए, लेकिन उसका कोई भारत पर असर नहीं पड़ा क्योंकि भारत का बाजार बहुत बड़ा था। बिग बाजार होने के कारण अमेरिका के जो व्यवसाय करता है, जो उद्योगपति है, उन्होंने बिल क्लिंटन के ऊपर दबाव डाल करके आर्थिक प्रतिबंध हटाए। उस काल के पश्चात जब बराक ओबामा बना और इधर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बना तो हम लोग कहते हैं भारत और अमेरिका के बीच में जो है मधुर संबंध देखे गए, क्योंकि बराक ओबामा मोहनदास करमचंद गांधी का भक्त था और ऐसी स्थिति के अंतर्गत भारत और अमेरिका के संबंध जो मधुर काल के अंतर्गत और बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट आता है भारत और चीन संबंध। भारत
चीन संबंध, भारत और चीन संबंधों की अगर अपन बात करें बच्चों, तो चीन भारत का एक पड़ोसी देश रहा है। यद्यपि चीन का उदय और क्रांति जो हुई है वो 1949 में हुई है और भारत के अंतर्गत जो है 1947 के अंतर्गत भारत आजाद हुआ है। ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं तीसरे जो विश्व के घटक जो नए देश उदय हुए थे उनमें भारत चीन के संबंधों की कहानी को देखें तो ऐतिहासिक काल से भारत और चीन की सभ्यता और संस्कृति के अंतर्गत आपस में मेल मिलाप रहा है और एक दूसरे के घनिष्ठ सहयोगी भी रहे हैं। लेकिन जब 1962 के अंतर्गत चीन के द्वारा अचानक भारत पर आक्रमण कर दिया गया था और पंडित नेहरू को यह कहा गया था कि हिंदी चीनी भाई भाई आपस में गले लगाया और पीठ के अंदर जब छुरा पोंक दिया गया था, तो मैं आपको बता दूं कि भारत और चीन के जो मधुर संबंध थे वो मूल रूप से विकराल रूप लेने लगे, अलग होने लगे। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम भारत और चीन की बात को करें तो बच्चों आपको मैं बताऊं, सामरिक दृष्टि से आज चीन शक्ति संपन्न है और एशिया के अंतर्गत एक बिग ब्रदर की स्थिति है, बड़ा भाई के नाते हैं। और भारतीय जो उपमहाद्वीप हैं उसके अंतर्गत जो है चीन अपना साम्राज्य बनाए रखना चाहता है, वो तिब्बत को आज अपने कब्जे में लेना चाहता है। 1954 में भारत और चीन के बीच में तिब्बत की समस्या को लेकर के जो पंचशील समझौता किया गया था, शांतिपूर्ण से अस्तित्व की नीति का पालन किया गया, पालन की बात की गई थी। मैं आपको बता दूं भारत और चीन ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए, लेकिन चीन ने 1962 के अंतर्गत मैं आपको बता दूं कि उसे अस्वीकार करके भारत पर आक्रमण कर दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि चीन को यह शर्म नहीं आई कि उसने शांतिपूर्ण से अस्तित्व एवं पंचशील के सिद्धांतों का उल्लंघन कर भारत के साथ बड़ा विश्वासघात किया है। लेकिन बच्चों आपको मैं बताऊं कि कौ नृप हमें को हानि, वर्ल्ड स्तर पर भारत और चीन के संबंध जो थे मधुर काल था वो बिगड़ने लगा। और भारत चीन संबंधों का जो 1949 से हम लोग काल देखते हैं, 1957 का काल देखें तो भारत और चीन का प्रमोद काल था। 57 तक भारत और चीन दोनों मैत्रीपूर्ण संबंध कायम किए हुए थे, लेकिन 1957 से 1978 तक देखते हैं बाडुंग सम्मेलन की अगर अपन बात करें तो भारत और चीन के बीच में आक्रामकता देखी गई। और इस आक्रामकता के जो कारण थे वो प्रमुख था, एक तो तिब्बत की समस्या, एक भारत चीन सीमा विवाद, ये दो ऐसी समस्याएं थी जिसके कारण भारत और चीन के मध्य विकराल समस्या हो गई। 1978 से हम 1905 की कार्यकाल को देखें तो भारत और चीन के बीच में डायलॉग शुरू, संवाद काल, भारत चीन के बीच में भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने चीन की यात्रा की। चीन के प्रधानमंत्री जो है ली फंग ने भारत की यात्रा की 1991 के अंतर्गत, और भारत के राष्ट्रपति वेंकट रमन 1992 के अंतर्गत चाइना की यात्रा करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव 1993 के अंतर्गत चाइना की यात्रा करते हैं, और भारत के राष्ट्रपति जियांग जेमिनी ने जो है 1996 के अंतर्गत चाइना की यात्रा करते हैं। दोनों के बीच में एक डायलॉग होने लगा, एक संवाद आने लगा और बातचीत के द्वारा हल करने लगे कि हम दोनों देश आपस में मिल बैठ करके जो है बातचीत के द्वारा समस्याओं का हल निकालने की कोशिश करें। लेकिन जो है मूल रूप से मैं आपको बताऊं, चाहे भारत के राष्ट्रपति के आर नारायण ने 2003 के अंतर्गत चाइना की यात्रा की हो, और चाहे भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 2003 के अंतर्गत जो है चाइना की यात्रा की हो, और चीन के प्रधानमंत्री ने जो है जू रोगोजी ने 2001 के अंतर्गत भारत की यात्रा की,
तकनीकी हस्तांतरण हुआ, व्यापारिक समझौते हुए और उसके अंतर्गत वाणिज्यिक समझौते हुए, और जो मिलजुल करके 6 सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर हुए। लेकिन बच्चों मैं आपको बता दूं कि भारत और चीन हमेशा आपस के अंतर्गत टकराव की मुद्रा में रहे और इन दोनों देशों के बीच में कभी भी मधुर संबंध नहीं रहे, क्योंकि चीन की विदेश नीति हमेशा ये रही है, हिंदी चीनी भाई भाई, गले लगाया और पीठ में छुरा भोंक दिया। और ऐसी स्थिति के अंतर्गत चीन जो है एक छुपा रुस्तम है, उसकी कथनी और करनी में अंतर है। और ऐसी स्थिति में भारत हमेशा एक जो है संवेदनशील देश है, सहानुभूति वाला देश है। लेकिन भारत और चीन के हम संबंधों की बात करें, अभी वर्तमान के अंतर्गत 2014 तक चाहे मनमोहन सिंह के कार्यकाल को देखें, तो भारत और चीन ने अभी आज ही हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी टोक्यो की यात्रा पर जाते हैं, जाने से पहले कहते हैं चीन हमारा परम मित्र है, हमारा भाई है, और जापान में कहते हैं हम विस्तारवादी नीति को सहन नहीं करेंगे। ये किसके लिए? एक अप्रत्यक्ष रूप से चीन के लिए चेतावनी है। तो ऐसी स्थिति में मैं ये कहना चाहूंगा भारत चीन संबंधों के बारे में कि इनके संबंध कभी भी मधुर नहीं रहे। इसके पीछे मूल कारण यह है कि चीन की आक्रामक नीति। थैंक यू।